सभ्य और शिक्षित समाज में अभी भी इंसानियत कहीं गुम है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, एक आदिवासी युवक को पिकअप वाहन के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा था। इस घटना के बाद उस युवक की मौत हो गई है। वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। क्या हम वाकई में आजाद हैं? क्या हम शिक्षित हैं? क्या हम वाकई में सभ्य समाज में रहते हैं? अगर हाँ, तो जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगे। पहले आप वीडियो देखिए। चल गाड़ी स्टार्ट कर। मैं हमारी गलती सही लगा ये कबूल सब प्लानिंग तेरी प्लानिंग तेरी प्लानिंग चल बात बात ये तेरे सब धोख दे बेटा पगा में चार बारे वीडियो देखकर आप हैरान भी हुए होंगे और परेशान भी। हम आपको बताते हैं कि यह हैवानियत किसने की। नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा ने सिंगोली थाना क्षेत्र की इस वारदात का पूरा खुलासा किया है। गांव के पास नीमच सिंगोली मार्ग पर आदिवासी युवक कन्हैया लाल भील को पिकअप वाहन के पीछे बांध कर घसीटा गया। उसके साथ मारपीट की गई जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक युवक अपनी पत्नी ढूंढने निकला था जो रात में कहीं चली गई थी। सुबह अपनी पत्नी को तलाशने वो हाईवे पर पहुंचा था और वहां गाड़ियों को रोक रोक कर अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था। इसी दौरान आरोपी छितरमल गुर्जर ने उसे चोर समझा और उसने अपनी गाड़ी से युवक कन्हैया भील को टक्कर मार दी। फिर अपने आसपास के गांव के सारे परिचितों को बुलवा लिया और सबने मिलकर मृतक युवक के साथ मारपीट की। इस दौरान हाईवे से गुजर रही पिकअप को आरोपियों ने रोका और उसके पीछे मृतक को बांधकर घसीटा। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद आरोपियों ने ही डायल 100 को सूचना दी। मौके पर डायल 100 पहुंची और गंभीर घायल अवस्था में पड़े युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में एसपी ने बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार हैं जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आरोपियों से पूछताछ में यदि और भी किसी का नाम सामने आया तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। मामले में हत्या सहित गंभीर धाराओं और एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मालूम है कि एक दिनांक 26/8 को मॉर्निंग में एक एक्सीडेंट सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें FR भी गई थी और उसमें जो इलाज के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी और उसमें जो भी राउंड अप किया गया तो उनसे पूछताछ की गई थी और ये तथ्य सामने आए थे कि गाड़ी जानबूझकर उसको मारी गई है और उसके बाद अन्य लोगों को बुलाकर जो आरोपी पक्ष है उन्होंने उनके साथ मारपीट भी किया और गाड़ी में बांधकर उसको खींचा भी गया था। तो उसके आधार पर अभी उसमें 304 और 302 और SC/ST एक्ट के जो प्रावधान है उनमें प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें अभी तक लगभग 8 आरोपी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं जो जिसमें एक छितर गुजर है और एक महेंद्र गुजर है इनको अरेस्ट किया जा चुका है और इसमें 2 और जो जिस गाड़ी से इनको बांधा गया था जो पिकअप है और उसमें जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनको भी राउंड अप कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों की भी पहचान और अरेस्टिंग कर ली जाएगी। देखिए जिस प्रकार की घटना नीमच के अंदर जो हुई है ये बहुत दर्दनाक है। इस प्रकार के लोगों को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी हो, देखिए अपराधी और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार ने तत्काल वहाँ के प्रशासन ने उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है उनको दंड ही नहीं, उनको कड़ा दंड मिलेगा और मिलना चाहिए। इसको लेकर के प्रशासन ने भी तत्काल काम किया है। 5 लोगों की मुझे लगता है जो शेष बचे होंगे जिन लोगों ने किया है उनकी गिरफ्तारी होगी। विपक्ष को केवल हर चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकते। हाँ, किसी ने छोड़ा हो तो आप जरूर कह सकते हैं, आपको अधिकार है, विपक्ष में है, आपकी भूमिका है, निभाना भी चाहिए। लेकिन जब ऐसे लोगों ने कृत्य किया है सरकार ने इमीडिएट एक्शन करके उनको जेल के, मैंने कहा ना, सीकचों में ही नहीं ले जाएंगे,
उनको कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। और जिस व्यक्ति के साथ मेरी बहुत संवेदनाएं और उनके प्रति हम ऐसे लोगों के साथ खड़े जो गरीब व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।